क्लास टू लेसन फाइव बोन्स एंड मसल्स। बोन्स मतलब होता है हड्डियाँ और मसल्स मतलब होता है मांसपेशियाँ। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में और मसल्स के बारे में। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है बोन्स से और मसल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी बोन्स और मसल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसके बारे में समझेंगे कि इनका क्या काम है, ये हमारी बॉडी में किस तरह से हेल्प करती हैं, इनकी कितनी संख्या होती है। ठीक है, इन सभी बातों को हम धीरे धीरे इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को और जानते हैं। आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ ब्लड बोन्स फ्लैश एंड मसल्स। हमारा शरीर जो है खून से, हड्डियों से, ठीक है, मांस से और मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, बोन्स एंड मसल्स गिव शेप टू आवर बॉडी। बोन्स और मसल्स की वजह से, यानी हड्डी और मांसपेशियों की वजह से हमारे शरीर के को शेप मिलता है, एक आकार मिलता है। दे ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू वर्क, और ये हमारे शरीर को काम करने में भी मदद करते हैं। ठीक, अब डेविस टाइम देख लीजिए। सर्कल थ्री पार्ट ऑफ आवर बॉडी डेट डू नॉट हैव बोन। यहाँ पे कुछ बॉडी के पार्ट्स का नेम दिया है, जैसे नेल, ठीक है, लेग, हेयर, फिंगर, टीथ, हेड। नेल मतलब हो गया नाखून, लेग मतलब हो गया पैर, हेयर मतलब हो गया बाल, फिंगर मतलब हो गया उंगलियां, टीथ मतलब हो गया दांत, और हेड मतलब हो गया सिर। ठीक है, तो इसमें से सर्कल करना है उन बॉडी पार्ट्स को जिसमें बोन नहीं पाया जाता है। तो नाखून में बोन नहीं पाया जाता है, इसको आप क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। हमारे लेग में बोन पाया जाता है, इसको सर्कल नहीं करेंगे। फिर हेयर में बोन नहीं पाया जाता है, इसको आप सर्कल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है फिंगर, फिंगर्स में बोन पाया जाता है, इसको सर्कल नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है टीथ, हमारे टीथ में हड्डियाँ पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं, तो इसको आप क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है हेड, हेड में हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो हमारे सिर में हड्डी पाई जाती है, ठीक है, तो इसको सर्कल नहीं करेंगे। ठीक, तो इसमें हम क्या क्या सर्कल करेंगे एक बार देख लीजिए। तो इसमें हम नेल्स को, हेयर को और टीथ को सर्कल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इन तीनों बॉडी पार्ट्स में हड्डी नहीं पाई जाती, बोन्स नहीं पाया जाता है, तो इसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है बोन्स, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। ओके।